आपको बेस्ट विशेस की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। क्यों 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 नहीं है? लेकिन क्यों क्यों नहीं है? वो अच्छा ही करेगा वो मुनाफा। वो अच्छा ही करेगा वो बराबर है। मिरर थोड़ा ऊपर तक होना चाहिए था ना। ओके बहुत ज्यादा ना भागते हुए खुद को देख के कॉम्पिटिटर को देखो ना सामने तो अच्छा लगता है। ए यार ये भाई समझा कोई मतलब अपने आप खुद को कॉम्पिटिटर मानता है भाई। मास्टरमाइंड में बोलूंगी तो मुनावर का मास्टरमाइंड है। डाकू इलाका ये मेरा। कौन यार भाई की एनर्जी मतलब सच में नेक्स्ट लेवल है। मुनावर भाई ओपी भाई नाइस वन नाइस भाई। मुनावर भाई के रेट डबल हो गए। लोगों क्या थिंक मजाक से लोग गाइस वेलकम बैक फॉर चगे एनी ओडा के साथ गाइस फाइनली भाई मुनावर भाई पे तुम्हारा वीडियो लेके आया है और वीडियो ऐसी वैसी नहीं है। वीडियो होने वाली है फुल बिग बॉस वासियों वालों को करा मुनावर भाई ने फुल होल होल सबको रोस्ट किया है दबा के। इस वीडियो में सब रोस्ट हुए हैं मुनावर भाई से तो आई होप वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो बहुत क्रेजी है तो एंड में बात करेंगे लगी कैसी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स एंजॉय। भी उनकी जगह होती तो मैं भी उन्हीं का नाम लेती तो वो एक बहुत ऑब्वियस आंसर था क्योंकि आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉट इम्प्रेस्ड। ये मुझे इनमें ना कोई लीडरशिप क्वालिटी लगती है और ना ही इनमें कोई लीड करने की कोई क्वालिटी लगती है। ओके इनको बड़ी हंसी आ रही है। आप हंसे क्यों भाई? इसलिए हंसा क्योंकि आज पहली बार सना ने इतना बोला है। इसको बोलते हैं जिंदा रोज। जब आप एक हफ्ते से पूरे जमाने के सामने बोलते हो कि अभिषेक को लगाम नहीं है अभिषेक पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक मिनट भाई बोल ले दोस्तों। कोई लगाम नहीं है अभिषेक पे कोई कंट्रोल नहीं है हमने तो उसको समझाना ही छोड़ दिया है। फिर ऐसे इंसान के सामने आप कुछ ऐसी बात करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो किया ही नहीं उसने की नहीं मैं बता रहा हूँ। सुनो पहले मैंने अपने तीन पोटेंशियल फेवरेट्स को एक साथ यहाँ पे बुलाया। ओह फेवरेट ये तो हो रहा ही था। वो था तूफान जो दस्तक देकर आया था। Okay. अकेला था लगा लश्कर लेके आया था। पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी कहना वो डोंगरी वाला। डोंगरी वाला आग लेके आया था भाई। में घर के अलग अलग कोनों में अक्सर हमने बात होते सुना है कि ये एक बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। ओके इनसे बच कर रहना चाहिए। बात है मुन्ना बात। ये सब चल रहा है क्या बीट बीच में? तो कौन होंगे ये एनी गेसेस? चलूंगा भाई वो तुम वक्त बताएगा। अच्छा हाजी वाला वो वक्त बताएगा समझ रहे हो इतना सन की हाजी वाला। यार ये किधर समझ खुदा से दुआ करते को भाई ओके जाके मेरे को समझ में आ गया नहीं यार तारीफ के काबिल तो पर्सनालिटी है। स्मार्ट अच्छा स्मार्ट लोग अट्रैक्ट करते मेरे को इसलिए अपनी कभी ज्यादा बात नहीं। ओ भाई जिंदा क्रेजी रोस्ट यार। यहाँ पे ये मिरर थोड़ा ऊपर तक होना चाहिए था ना। ओके बहुत ज्यादा ना भागते हुए खुद को देख के कॉम्पिटिटर को देखो ना सामने तो अच्छा लगता है। यार ये भाई समझा कोई मतलब अपने आप खुद को कॉम्पिटिटर मानता है भाई कोई है ही नहीं मतलब। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी और मैं बिग बॉस नहीं हूँ भाई। मैं पहली बार फोन पे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगा बिग बॉस ऐसे साउंड होगी। ये तो आखिरी बार फोन पे बात कर रहा है। फोन रख सामान बांध और घर के बाहर निकल और मैं सुनूंगा। वैसे टेंशन में हो गया। हर बात भाई की बिग बॉस थोड़ा धुआं मिलेगा क्या? अपना काम स्क्वैक से ही होता है। ये बात एक टाइम एक समय ऐसा आएगा कि मुनव्वर अपने हिसाब से गेम चलाएगा क्योंकि 110% है एक्सपीरियंस वाला कभी पीछे हटता है क्या? बोलने से ज्यादा बिग बॉस दिखाने में बिलीव करता हूँ और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता जो फोर्स लगे। मैं टाइम लेता हूँ चीजों के साथ ज्यादा भी नहीं लेता बट उन्हें नेक्स्ट डे से दिख गया होगा। Okay. आपको शायरी कैसी लगी बिग बॉस मेरी? हल्दी वाली मेहंदी वाली शायरी की पूछ रहे हैं आप?
शब तो आपके गुलाम है ही। सब तो गुलाम है ही, हमें और बना लो। प्यार प्यार यार प्यार यार सब तो बहुत दूर की बात है, वो करने में ना आया हूँ ना दिल से। यार यार नहीं, ट्रॉफी चाहिए तो सिंगल ही। किसको सपोर्ट की जरूरत है गेम में टिके रहने के लिए? मुझे। ओके फाइन, चुपचाप बैठ। सॉरी, उसे शायद लगे उसके नहीं जरूरत है, बट जेन्युइनली उसे जरूरत पड़ जाती है। स्मार्टली खेल रहा है मुन्नावर, बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट ही है भाई, सब स्मार्ट ही खेल रहे, सब स्मार्ट। तभी आपको पता था हमारा इशारा किस तरफ है मुन्नावर, बट मुनावर भाई की एनर्जी मतलब सच में नेक्स्ट लेवल है। मुनावर भाई ओपी भाई, नाइस वन, नाइस भाई। मुनावर भाई के रेट डबल हो गए, लोग अब क्या थिंक, मजाक समझ रहे हो, बहुत फायदा हुआ इसको। कुछ वक्त बिताना चाहिए, ओके, किसी का भी हो चाहिए। और ये बोला कौन है? जलवा है भाई बंदे का। आप कब आए? मैं अभी बस आपसे थोड़ी देर पहले होम टूर, थोड़ी देर पहले आके तो नहीं लेना चाहिए होम टूर, बट देख लिया पूरा घर? हाँ मैंने देखा, बिकॉज मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे देखना है या पहले बताना है? क्या करते हो आप? आई एम एन एक्टर और एक अभी सॉन्ग रिलीज हुआ फॉर विद बन लेबल, सो या मल्टीटास्क। क्या बात है? व्हाट अबाउट यू? यू आर? मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। अरे वाह। और मैं थोड़ा म्यूजिक थोड़ा बहुत करता हूँ, रैप टाइप, थोड़ा लिखता हूँ शायरी वायरी। तो आप तो उस्ताद हो, हम तो भी ट्रेनी है। नहीं नहीं, आप तो एक्टर हो, आप तो एक्टर हो, एक्टिंग अच्छी करती हो। ओके, लेट्स सी। हाथ है उसके साथ। ओ वन टाइम और एमसी और भाई काफी लोग थे ना। इस रिएक्शन इज भाई, आपको सारी क्लिप एंजॉय लगी और रिएक्शन पसंद आया हो तो पहले दबा के लाइक कर दो एंड शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो एंड अब बता दो जल्दी से कौन सी क्लिप आपको बेस्ट लगी। जो भाई यहाँ तक रुकता है वो कमेंट क्यों नहीं करता यार, मतलब कुछ बताया के जाया करो कि भाई पार्ट टू बना या मत बना यार, एक्सेट्रा कुछ भी, तो कुछ तो बोला करो जिससे मुझे पता चले हाँ भाई ऑडियंस एक्साइटेड है देखने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया, भाई एक से बढ़ के एक वीडियोस थी इसके अंदर। और भाई मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अलॉट करना चाहता हूँ जो एडिट करते हैं भाई, बहुत क्रेजी करते हैं, मतलब जो भी करता है यार बंदे, मतलब इतना दिमाग लगाते हैं, मतलब एक एक क्लिप को इस तरीके से जोड़ते हैं, बिल्कुल स्वैग बना देते हैं वीडियो में, वो बहुत क्रेजी लगती है वीडियो। तो होल क्रेडिट जाता भाई मेरा उनको कि जो भी एडिट करते हैं भाई, पर्टिकुलर कोई तो है नहीं, मतलब हर किसी की मिक्स होती है तो दे नहीं सकता, बट मैं होल जो भी एडिट करते हैं वीडियो को उन सबों को थैंक्स, शुक्रिया। तुम लोगों की वजह से ही रिएक्शन हो पाते हैं, बिकॉज आप लोग एडिट इतनी अच्छी करते हो कि उनका मतलब एक इमेज इस तरीके से क्रिएट हो जाती है ना, ठग लाइव एटीट्यूड मूवमेंट्स एंड क्यूट मूवमेंट्स एंड बहुत कुछ दिखता है आप लोगों की वजह से। तो बेस्ट ऑफ लक लगे रहो यार, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कौन सी पसंद आई हो कमेंट में जरूर बताना। एंड भाई मास्टरमाइंड का दिमाग करना चल रहा है पूरे, मतलब बिग बॉस बाजी वालों को सबको रोस्ट किया है इस बंदे ने सबको। बस एक चीज़ मैं चाहता हूँ मुनावर भाई से, आप क्योंकि थोड़ा डाउन एक चीज़ मुझे दिख रही है, आप भी बताना अगर आप जो सुन रहा है मेरी बात, जैसे मुनावर भाई की शायरी के सब फैन है ठीक है, एक बंदे को रोस्ट करवा लो कुछ भी करा लो क्रेजी करता है, ठग लाइव मूवमेंट रिप्लाई बहुत क्रेजी, एटीट्यूड मतलब हर चीज़ है। अब एक चीज़ की कमी है, मतलब वो गुस्सा कहाँ है भाई, जिससे लड़ाई हो फाड़ दे उसको, मतलब वो मरना तेरे को डर नहीं लगता है ना, मेंटल वाला वो चीज़ देखना बाकी है कि ये बंदे का कब बाहर आएगा, तो वो जल्दी आएगा देखते हैं, अभी ना किसी तो भिड़ेगी यार, चार तीन महीने हैं अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। मिलते हैं किसी न्यू डॉ में, जब तक लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स, लव यू।